उत्तर प्रदेश के देवरिया में सोमवार को हुए सनसनीखेज कांड से पूरा प्रदेश उबर नहीं पा रहा है। इस कांड के बारे में जिसने भी सुना वो बस हैरत में पड़ गया। यहाँ रुद्रपुर क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते एक ही परिवार के 5 लोगों समेत कुल 6 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसे जिसने भी सुना वो दहल गया। आपको बता दें कि यहाँ पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की सत्यप्रकाश दुबे के पक्ष के लोगों ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी, जिसके बाद इसी रंजिश के चलते सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, बेटियां और बेटे गांधी की हत्या कर दी गई। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पहले पुलिस ने इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया था, अब बड़ा एक्शन लेते हुए पुलिस ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है, यानी कुल मिलाकर अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि देवरिया के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में प्रेम चंद्र यादव और सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के बीच 12 बीघे जमीन को लेकर विवाद था। दरअसल ये जमीन 2 सगे भाई सत्यप्रकाश दुबे और ज्ञान प्रकाश दुबे के नाम थी। ज्ञान प्रकाश ने अपने हिस्से की जमीन पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम चंद यादव को बेच दी थी। इसी बात को लेकर ज्ञान प्रकाश के छोटे भाई सत्यप्रकाश से नाराजगी थी। विवाद लंबे समय से चल रहा था। इसी बीच आरोप ये है कि 2 अक्टूबर को सत्यप्रकाश दुबे के पक्ष के लोगों ने प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी, जिसके बाद बदले की भावना से दूसरे पक्ष ने सत्यप्रकाश समेत 5 लोगों की हत्या कर दी और देखते ही देखते इस हत्याकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया। अब इस मामले पर लगातार कोई न कोई बड़ा एक्शन हो रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस मुद्दे पर और क्या क्या होता है। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।